Now next one, another question. This question is total two questions for me. How do you compare two strings in Java? Or can we compare string objects, two string objects using equal operator? Then what is the risk of comparing like that? So generally मैंने आपको explain किया था in beginning session Java के अंदर string को compare करने के लिए generally आपके पास two approach available हैं. Using equal operator. First case में इसका second question का answer क्या है? Yes, we can compare two string objects using equal operators. But suppose अगर आप equal operators के through two string objects को compare कराओगे, then इस case में just comparison किसका हुआ? Contents of the string object और addresses of the string object. इस case में just comparison किसका perform हो रहा है? Addresses of two string objects. लेकिन मीनिंगफुल कंपैरिजन क्या है आपके लिए? कंटेंट कंपैरिजन और एड्रेस कंपैरिजन, कंटेंट्स कंपैरिजन. अगर आपको कंटेंट्स को कंपेयर कराना है तो इस केस में एक स्ट्रिंग क्लास ने सेपरेटली मेथड प्रोवाइड किया कॉल्ड एज इक्वल्स मेथड. इस केस में जस्ट कंपैरिजन किसका हुआ? कंटेंट ऑफ टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. मींस इस केस में जब भी आप स्ट्रिंग को आप कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करने के आपके पास टोटल टू अप्रोच अवेलेबल यूजिंग इक्वल ऑपरेटर यूजिंग इक्वल्स मेथड. लेकिन सजेस्टेड केस क्या आउट ऑफ देम? अगर आप रियल कंटेंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो यूज क्या करेंगे? इक्वल्स मेथड. अगर आपको एड्रेसेस कंपेयर करना देन इक्वल ऑपरेटर्स. क्लियर? फॉर एग्जांपल्स अगर आपके पास टू स्ट्रिंग वेरिएबल्स अवेलेबल लाइक अ स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू जस्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं यूजिंग न्यू कीवर्ड, जिससे आप लिए क्लियरली समझना पॉसिबल होगा. इस केस में स्ट्रिंग समथिंग इंफॉर्मेशन एज एबीसी, सेम स्ट्रिंग का मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस टू स्ट्रिंग एस टू. देन एस टू के केसेस में मैंने अगेन असाइन किया सेम कंटेंट्स ए बी सी. क्लियर? इस दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के केसेस में मैंने कंटेंट्स क्या प्रोवाइड किए? एग्जैक्टली सेम कंटेंट्स ए बी सी ए बी सी. देन इस केस में जस्ट परफॉर्म कराता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस वन इक्वल एस टू फर्स्ट कंपेरिजन. चेक करें इस पर्टिकुलर केस में किस टाइप के रिस्क क्रिएट होने के चांसेस होंगे. इनसे सबसे पहले इस केस में टोटल रेफरेंसेस कितने क्रिएट हुए? टू रेफरेंस वेरिएबल एस वन एंड एस टू. देन न्यू कीवर्ड के थ्रू फर्स्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड हीप एरिया विद कंटेंट्स एस ए बी सी प्लस इस केस में एज्यूम कर रहा हूँ एड्रेस एस हंड्रेड. ये हंड्रेड कॉपी किस में हो जाएगा? एस वन रेफरेंस में और एस वन पॉइंटिंग दैट ऑब्जेक्ट. सेम है सेकेंड केस में अगेन न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद सेम कंटेंट्स और डिफरेंट कंटेंट्स विद सेम कंटेंट्स एज ए बी सी. तो इस केस में एड्रेस क्या? समथिंग 200. नेक्स्ट टाइम एस टू में क्या स्टोर हुआ? समथिंग 200. इस पर्टिकुलर दोनों ही ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मेमोरी एड्रेस कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट समथिंग 100 और 200. लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्ट के स्टेट और कंटेंट्स कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम कंटेंट्स. लेकिन जब आप इक्वल ऑपरेटर्स के थ्रू कंपेरिजन परफॉर्म कराओगे इस केस में एस वन के प्लेस पर रिप्लेस होगा वैल्यू ऑफ एस वन. एस वन में क्या स्टोर है? 100. एस टू के प्लेस पर रिप्लेस कर रहा है वैल्यू ऑफ एस टू विच इज 200. मीन्स इस केस में कंपेरिजन किसका हो रहा है? इन ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट बात करें तो ऑब्जेक्ट्स के केस में कंपेरिजन किसका है? एड्रेसेस और कंटेंट्स. एड्रेसेस देन इस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? एज अ फॉल्स. जबकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों ही ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट्स कैसे हैं? सेम कंटेंट्स. और सेम कंटेंट्स के केस में रिजल्ट क्या आना चाहिए? एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था आपका? ट्रू. देन अगर सेम केस में अगर आप कंपैरिजन परफॉर्म करते यूजिंग इक्वल्स इक्वल्स मेथड प्रोवाइडेड वाई और ओवरराइडिंग वाई स्ट्रिंग क्लास. जब इक्वल्स मेथड के थ्रू कंपेरिजन परफॉर्म कराओ तो इस केस में कंपेरिजन किसका हुआ? कंटेंट कंपेरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. दोनों ही केस में अगर सेम कंटेंट्स फाउंड हुआ तो इसका रिजल्ट क्या रिटर्न होगा? ट्रू. मीन्स फर्स्ट केस में रिजल्ट क्या फॉल्स, सेकंड केस में क्या बनाया जाए? ट्रू. मीन्स फर्स्ट केस में कंटेंट सेम होने के बावजूद भी इसका आउटपुट क्या आया जाए? फॉल्स. क्लियर? दिस इज द रिस्क व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग इक्वल ऑपरेटर्स.